सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोई भी 29,000 के पार हुई देश में कोरोना मरीजों की संख्या, मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के करीब पहुंचा। तिरुवनंतपुरम में अब नहीं है कोरोना का कोई मरीज, केरल सरकार ने हॉटस्पॉट्स की लिस्ट से हटाया। दिल्ली हरियाणा के सभी बॉर्डर सील होने पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी, हरियाणा के मंत्री ने दिल्ली में काम करने वालों को बताया था कोरोना कैरियर्स। दिल्ली में मैक्स अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत 33 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, राजधानी में 3,000 से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज। अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव देने पर 3 वरिष्ठ IRS अफसरों पर कार्रवाई। ऑक्सफोर्ड स्थित जेनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का अनुमान, सितंबर में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। तमाम पाबंदियों के बीच न्यूजीलैंड के कई शहरों में रेस्तरां और चीन ने संघाई में स्कूल खोले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला, कहा कोरोना वायरस को वहीं रोका जा सकता था जहां से शुरू हुआ। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, मौत का आंकड़ा 56,000 के पार हुआ। और दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 30,64,000 के पार हुई, अब तक 2,11,000 से ज्यादा मौतें।